नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर OMS न्यूज में। दोस्तों आज हम जानेंगे आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, सोशल मीडिया से कुछ बहुत ही जरूरी खबरें निकल के आ रही हैं जो भारत के हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की ताज़ा खबरें आपको सबसे पहले मिल पाएं। इससे पहले आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अभी तक 26,496 लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि 5,804 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। दुखी खबर आपको बता दें कि 8 से 24 लोगों की पूरे भारत में इसके संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। बात करें पूरी दुनिया की तो 27,26,776 लोगों को पूरी दुनिया में इसका संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर पर रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम ने यूपी में बदली करवट, किसानों के लिए बुरा संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज तो बार बार बदल रहे हैं, लेकिन घरों में बैठे लोगों को ऐसे ही इसका मजा लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं किसानों को ये बारिश डूबते के हाथों तिनका का सहारा भी छीन ले रही है। यूपी के कई जिलों में बीते शनिवार की शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तो कई जिलों में रविवार को ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली, ऐसे में लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत की सांस मिली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि गेहूं की फसल अभी खेतों में पड़ी हुई है, ऐसे में बारिश से अनाजों का नुकसान होगा। यूपी में शनिवार को एकदम मौसम में बदली छा गई, जिसके बाद कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 36 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें 3 मई से लंबा खिंचेगा लॉकडाउन, अपने अपने लोगों को बुलाने में लगे देश के राज्य। जी हाँ दोस्तों, देश के सभी राज्य अपने अपने लोगों को वापस बुलाने में लगे हुए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन 3 मई से आगे खिंचेगा। उत्तर प्रदेश ने शनिवार से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पत्र लिखा कि वहाँ के लोगों को वापस आने दें। महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार से अपने लोगों के लिए सेफ मैसेज मांगा। देश के सभी राज्य अपने अपने लोगों को वापस बुलाने में लगे हुए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन 3 मई से आगे खिंचेगा। हालांकि देशव्यापी लॉकडाउन को एक ही महीना पूरा हो चुका है, इसका दूसरा चरण 3 मई तक चलेगा, लेकिन कई राज्यों ने दूसरे स्टेटस में बसें भेज दी। इन बसों में सवार होकर लोग अपने अपने राज्य वापस लौटेंगे। कई हजार प्रवासी तो अपने अपने राज्य पहुंच भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने शनिवार से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पत्र लिखा कि वहाँ के लोगों को वापस आने दें। महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार से अपने लोगों के लिए सेफ मैसेज मांगा है। छत्तीसगढ़ ने भी कोटा से बसें भेजकर 1,500 छात्रों को बुलवा लिया। जम्मू कश्मीर ने भी अपने लोगों को अलग अलग राज्यों से बुलाना शुरू कर दिया। ये हाल तब है कि कई राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। क्या प्रवासी मजदूरों को इसके लिए बुलाया जा रहा है ताकि उन्हें अपने ही राज्य में रखा जाए, इसी दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए? ये भी संभव है कि प्रवासी मजदूरों पर संकट दूर करने के बाद सावधानी पूर्वक आर्थिक गतिविधियां शुरू हों, मगर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि अगर प्रवासी मजदूर बाहर रहते हैं लॉकडाउन बढ़ा तो हालत बेकाबू हो सकते हैं। कई राज्यों में पिछले 1 महीने से ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे प्रवासी मजदूरों के मसले पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने साफ कहा कि ये बात तय है कि ट्रेनें चलने नहीं जा रही क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, वरना लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, आपको बता दें पेट्रोल डीजल को लेकर खुशखबरी अब इतनी रह गई है कीमतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लेकर खुशखबरी आई है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। आज यानी रविवार 26 अप्रैल 2020 को पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट स्थिर हैं। आज पेट्रोल का रेट 69.59 पैसे प्रति लीटर स्थिर रहा, वहीं डीजल का रेट 62.29 पैसे प्रति लीटर स्थिर रहा। जब से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बदला। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती थी। इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल के रेट में संशोधन करती थी और जारी करती थी। वैसे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 पैसे रही, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर रही।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें 8 दिसंबर तक दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएगा वायरस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और इस वक्त दुनिया के 200 से अधिक देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जानी तब तक कोरोना के संक्रमण को सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही रोका जा सकता है। कोरोना की वजह से तमाम देशों में लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके बाद से ही लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के जीवन चक्र से लेकर इसके खत्म होने तक का अनुमान लगाया गया। कोरोना के खत्म होने की ये भविष्यवाणी अभी तक विभिन्न देशों में कोरोना के बढ़ते घटते क्रम के आधार पर की गई। समय के साथ ये भविष्यवाणी बदल भी सकती है। ये भविष्यवाणी लुओ जियानक्सी 2020 की थ्योरी और कार्य प्रणाली पर आधारित है। आइए जानते हैं कि किस देश में कब तक कोरोना खत्म हो सकता है। सबसे पहले बात करें भारत की, आपको बता दें कि भारत में 22 मई तक कोरोना के 97% मामले खत्म हो जाएंगे, जबकि 1 जून तक 99% और 26 जुलाई तक भारत में कोरोना का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें इटली की, आपको बता दें कि इटली में 8 मई तक कोरोना का संक्रमण 97% तक कम होगा, 21 मई तक 99% और 25 अगस्त तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं बात करें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की, आपको यहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में 27 अप्रैल से कोरोना काबू में आने लगेगा, 9 जून तक 97% कम हो जाएगा, 23 जून तक 99% संक्रमण खत्म हो जाएगा और 1 सितंबर तक पाकिस्तान कोरोना मुक्त हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो 12 मई तक यहां 97% संक्रमण कम हो जाएगा, 24 मई तक 99% और 27 अगस्त तक अमेरिका में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें अमीरों पर ज़्यादा टैक्स, गरीबों को 5,000 रुपये की मदद, आईटी अधिकारियों की सिफारिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित इकोनॉमी को उभारने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के 50 अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए आयकर की दर को बढ़ाकर 40% करने का, संपत्ति को फिर से लागू करने का, 10 लाख रुपए से अधिक आमदनी वाले लोगों पर 4% की दर से एक बार कोविड-19 सेस लगाने, गरीब लोगों के खाते में 6 महीने तक 5,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर करने। यहाँ दोस्तों आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में 40 दिन से लॉकडाउन लागू है, इसी वजह से आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ गईं और इसका असर सरकारी खजाने पर भी पड़ा और आने वाले समय में कर संग्रह में भी भारी कमी की आशंका पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों में 50 IRS अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ नए तरीके के आइडियाज दिए। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके द्वारा दिए गए आइडियाज पर अमल करने से आर्थिक वृद्धि को मजबूती दी जा सकती है और साथ ही कर से आमदनी में बढ़ोतरी की जा सकती है। अधिकारियों ने महामारी से निपटने और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए लघु अवधि और मध्यम अवधि में लागू किए जाने वाले प्रस्तावों